आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर एक, हरकत के कवानीन। हरकत के कवानीन में हम पढ़ेंगे टॉपिक एक, हरकत। दूसरा टॉपिक है हमारा हटाव और फासला, और तीसरा टॉपिक है असरा। चौथा टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूटन के कवानीन, हरकत और मसावाते। पहला टॉपिक है हमारा शय की हरकत। तो हरकत से बच्चों हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हरकत किसे कहते हैं। हरकत का मतलब होता है कि एक जगह से जो है वो अपनी जगह तब्दील करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको हम हरकत कहेंगे। अब इसके बाद में हरकत करने के लिए हमेशा हमको फोर्स लगाना पड़ता है, ताकत की ज़रूरत पड़ती है। एक जगह से अगर चीज़ों को भी हटाना है तो हमको ताकत से ताकत लगानी होगी। अगर हमको खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमको अपनी जिस्मानी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तो इस तरह से हरकत के लिए हमेशा हमको ताकत की ज़रूरत होगी। और हरकत हम किसे कहेंगे, किसी भी शय का जो है वो जगह का तब्दील करना। तो हम यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर परिंदों का उड़ना, परिंदों का उड़ना हम देखते हैं। परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह तब्दील करते हैं, उड़ते हुए जाते हैं। तो इसका मतलब इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है, हरकत हो रही है, क्योंकि परिंदे जो है वो अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। फिर खड़ी हुई रेल, अब स्टेशन पे जो है वो एक रेलगाड़ी यूं ही खड़ी हुई है, उसमें हम कोई तब्दीली नहीं देख रहे, सिर्फ वो खड़ी है। ये क्या है, साकिन हालत में है, खड़ी हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, हरकत नहीं हो रही है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो खड़ी है। हवा में उड़ती हुई घास फूस, अब हवा में भी हम देखते हैं घास फूस जो है उड़ रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी क्या कर रहे हैं, ज़मीन से उड़कर वो हवा में जा रहे हैं। इसका मतलब वहाँ ज़मीन से उड़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, यानी उन्होंने अपनी जगह तब्दील की। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, हवा में उड़ती हुई घास फूस भी जो है वो हरकत की एक मिसाल है। पहाड़ पर मौजूद साकिन पत्थर, साकिन पत्थर यानी वो एक जगह पे सिर्फ पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसमें भी कोई हरकत नहीं हो रही है, उसमें भी कोई तब्दीली हमको नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो है वो हरकत नहीं हो रही है, ये हरकत की मिसाल नहीं है। खड़ी हुई रेल भी जो हरकत की मिसाल नहीं है। ये दो, परिंदों का उड़ना और हवा में उड़ती हुई घास फूस जो है वो हरकत की मिसाल है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हम मुख्तलिफ अशिया को हरकत करते हुए देखते हैं। कई मरतबा हम अशिया की हरकत को हकीकतन देख नहीं पाते, जैसे कि बहती हुई हवा, हवा बह रही है, हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से पौधे जो है वो लहला, खेतों खेत में हम देखते हैं घास फूस वो लहलहा रहे हैं, दरख्त के पत्ते जो हिल रहे हैं, हमने अगर कपड़े फैलाए हैं बाहर तो वो भी जो है वो हवा की वजह से उड़ रहे हैं। तो हवा है मौजूद, हम उसको हकीकतन देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर हवा हो रही है, उसका असर हम दूसरी चीज़ों पर देख सकते हैं कि उसकी वजह से वहाँ पर चीज़ों में जो है वो तब्दीली हो रही है। इसके बाद में इसके मुताबिक हम अपने अतराफ़ में कई मिसालें बता सकते हैं, वो कौन सी है। तो मिसाल जो है वो इलेक्ट्रॉन का बहाव, इलेक्ट्रॉन का बहाव यानी कि बिजली की रवानी, इलेक्ट्रॉन का बहाव। जैसे कि हम बटन लाइट चालू करना है, पंखा चालू करना है, हम बटन चालू करते हैं तो पंखा चलने लगता है, लाइट चलने लग चालू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हम हकीकतन देख नहीं पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का बहाव वहाँ जारी है, इसलिए जो है वो हमारा पंखा और हमारी लाइट जो है वो चल रही है। तो इस तरह से ये भी एक मिसाल है। दूसरी मिसाल है खून का बहाव, खून का बहाव हमारे जिस्म में जारी है, इसीलिए हम जिंदा है, हमारे अंदरूनी जो अज़ा है वो हरकत में है, यानी अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर जिस वक्त खून का बहाव बंद हो जाएगा तो हमारी सांसें जो है वो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से खून के बहाव को भी हम हकीकतन देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं, या उसकी वजह से जो काम हो रहा है दूसरी चीज़ों में, जो तब्दीली हो रही है दूसरी चीज़ों में, उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ मिसालें हैं जो जहाँ पर हरकत हो रही है लेकिन हम उसको हकीकतन देख नहीं सकते। ज़रा सोचिए, अब बस में हम सफ़र कर रहे हैं और या तो फिर ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, तो हमको बाहर की जो चीज़ें हैं वो कैसी सब दिखती है, एक पीछे पीछे जाती हुई नज़र आती है। बस में हम अगर बैठे हैं, ट्रेन में हम बैठे हैं, तो हमको सब चीज़ें जो है वो हरकत करती हुई नज़र आ रही है। तो वहाँ पर क्या है, ये मुतहरिक है। तो अब इसके बाद में कोई शय हरकत में है या नहीं, ये तय करने के लिए आपको किन किन नुकात पर गौर करना होगा।
तो हम क्या देखेंगे, हम आसपास के माहौल को देखेंगे कि आसपास के माहौल में क्या तब्दीली हो रही है, उसको देखते हुए हम तय करेंगे कि हरकत हो रही है। मिसाल के तौर पर जैसे हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, हरकत हो रही है, हम कैसे मालूम करेंगे? तो पत्तों का हिलना, कपड़ों का हिलना, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जिसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हवा में हरकत हो रही है, ठीक है। या आसपास के माहौल को हम, इसलिए जब हरकत होगी तो हम आसपास के माहौल को मद्देनजर रखते हुए ये तय कर सकते हैं कि हरकत हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पर तारीफ दी गई, अगर कोई शय जो अपने अतराफ व इकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे तब उसे मुतहरिक कहते हैं। मुतहरिक यानी कि हरकत में है वो, और अगर जगह तब्दील ना करे तो उसको साकिन कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोई शय जब अपने अतराफ इकनाफ के मुताबिक मुसलसल जगह तब्दील करे तो वो मुतहरिक है, और जगह तब्दील ना करे तो वो क्या है, साकिन है। अगला टॉपिक है हमारा हटाव और फासला। तो हटाव और फासला यहाँ पे दो टॉपिक है जिसमें, इसमें फ़र्क जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें फ़र्क लिखने आता है, इसके ऊपर सवालात आते हैं। तो यहाँ पर हमको कुछ मिसालें दी गई हैं। धागे की मदद से ए से बी के फासले की पैमाइश शक्ल 1.1 अलीफ में दिखाए हुए अलग अलग तरीकों से कीजिए। तो यहाँ पे ये इस तरह से जो दिया गया, ये क्या है, धागा है। तो धागे की मदद से हमको क्या करना है, ए से लेकर बी तक का जो है वो फासला जो है वो इस तरह से हमको नापना है कि ये यहाँ से लेकर, ए से लेकर बी तक पहुँचने के लिए हम, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये हम धागे के ज़रिए इसका ए से बी का फासला लेंगे, और दूसरा जो है वो दोबारा दिखाए हुए रास्ते से, यानी एक बार जो है वो यहाँ पर ए से लेकर जो बी तक का फासला है हम वो धागे से लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सीधा स्ट्रेट लाइन से फासला ले लेंगे, यानी कि दोबारा इसे, तो किस तरीके से की गई पैमाइश सही है और क्यों सही है। अब यहाँ पर दोनों, कई तरीके हैं पैमाइश लेने के लिए, तो यहाँ पर पैमाइश करने के जो है वो बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पे इसी में दूसरी मिसाल हम देखते हैं। दूसरी मिसाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ दूसरी मिसाल में दिया हुआ है कि शकीला और शकीब का घर, ये घर दिया हुआ है, ये स्कूल दी गई है। अब यहाँ पर शकीला स्कूल जाते वक्त अपनी सहेली मारिया के घर जाती है। अब शकीला का और शकीला का घर और मारिया के घर में 500 मीटर का फासला है, फिर वो मारिया के घर से स्कूल जाती है, तो 1200 मीटर का फासला है। और शकीब क्या करता है, शकीब जो है वो सीधा स्कूल पहुंचता है। तो दोनों यकसा चाल से जाने के बावजूद स्कूल तक कौन कम वक्त में पहुंचेगा और क्यों? अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि ये सीधा जो है वो शकीब जो है वो जल्दी पहुंच जाएगा। ये फासला कितना है, 1300 मीटर है, और यहाँ पर 1200 और मारिया का घर 500, तो ये कितना हो गया, 1700। तो शकीब यहाँ पर क्या पहुँचेगा, यहाँ पर जल्दी पहुँच जाएगा। तो दर्ज बाला में किया अमलन चलते हुए तय करदा फासला और रास खते मुस्तकीम फासले में फ़र्क है। अब ये कौन सा फ़र्क है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि शकीब जो है वो जल्दी स्कूल पहुँचा, क्योंकि यहाँ पे शकीब का जो घर से और स्कूल का फासला था वो कम था, और शकीला का जो है वो लेट पहुँची, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फासला जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पर ये पहले मारिया के घर गई और फिर यहाँ से ये यहाँ पर गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी तय करदा फासला के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना फासला तय कर रहे हैं। यानी यहाँ पर दूसरी एक और मिसाल हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमने हमने जब देखी दोनों मिसाल, तो वहाँ पर हमने देखा कि धागे के ज़रिए जो हमने फासला लिया वो लंबा था, ज़्यादा था, और जो हमने ए से लेके बी तक का फासला लिया वो कम था। इसी तरह से शकीब जो है वो जो स्कूल गया तो वहाँ पे फासला था 1300, और जब शकीला जब गई तो वो मारिया के घर से होते हुए गई, तो वहाँ पे फासला कितना हो गया, 1700 मीटर हो गया। तो यहाँ पर किसी मुतहरिक, इस तारीफ हम देखते हैं, इससे हमको समझ में आ जाएगा, किसी मुतहरिक जिस्म के ज़रिए अमलन दो नुकात के दरमियान तय करदा रास्ते को फासला कहते हैं। यानी कि स्कूल में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, और यहाँ पर ए से लेके बी
नुकात को नापने के लिए भी कई पैमाइश नापने के कई आलात है, कई तरीके से इसको नाप सकते हैं, लेकिन ये ए से लेकर बी तक के नापने का, यानी एक इसके शुरुआती नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक का जो फासला, जो हम मेजरमेंट लेंगे, जो पैमाइश लेंगे, उसको हम कहेंगे फासला। अब जबकि मुतहरिक जिस्म के आगाज से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हम हटाव कहेंगे। तो यहाँ पर जो ए से लेकर बी तक का जो फासला है, जो कम है, वो क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी हटाव का मतलब होता है कि जितना कम फासला उसने तय किया, कम फासले को हम क्या कहेंगे? हटाव कहेंगे। तो इस तरह से जो धागे के जरिए लिया गया मेजरमेंट है, वो क्या है कि उसने इतना जो है वो इतना इसकी लंबाई है वो नापी गई, और ये सिर्फ खत्ते मुस्तकीम में यहाँ से यहाँ तक नाप लिया गया, तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि कम फासले को हम क्या कहेंगे? हटाव कहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कम फासला यानी कि हटाव, और जो लंबा रास्ता है यानी जितना भी रास्ता वो लंबा हो, वो क्या कहलाएगा? वहाँ पर फासला कहलाएगा। तो यहाँ पर मारिया ने जो स्कूल जाने का रास्ता तय किया, वो क्या है हमारा? वो यहाँ पे हम क्या कहेंगे इसको? फासला कहेंगे। और ये जो 1300 हम इसको क्या कहेंगे? इसको हटाव कह सकते हैं। और एक मिसाल हमारे पास दी गई है कि आयशा जो है वो रोज़ाना सुबह को 100 मीटर निस्कुत्र वाले दायरे के मैदान के किनारे चक्कर लगाती है, जैसा कि अलीफ और बे में दिखाया गया है। इस नुक्ते ए से चलना शुरू किया और एक चक्कर मुकम्मल करने पर इसका तय करदा फासला और इसका हटाव कितना होगा। तो अब यहाँ पर मान लो यहाँ ये इसका निस्कुत्र जो है वो 100 है, फर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पर कि ये इसका निस्कुत्र 100 है। अब चूंकि ये दायरवी है, तो हमको ये रास्ता ना एक चक्कर मुकम्मल करना, यानी कि उसको हम मुहित कहेंगे। तो मुहित यानी कि 2πr हो गया फासला। यहाँ पे हमको एक चक्कर पूरा करने के लिए उसने कितना फासला तय किया, तो वो फासला दायरवी है, इसलिए इसका मुहित का जाप्ता हम यहाँ पर रखेंगे। तो मुहित में 2 ज़र 3.14 और r जो है वो 100 है, तो यहाँ पे हमको कीमत क्या मिलेगी? 628 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसने ए से शुरू किया और एक चक्कर लगाया पूरा यहाँ पर आई, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इसका ए से शुरू करके ए पे ही आ गई, तो यहाँ पर इसका फासला कितना होगा? फासला जो होगा 628 होगा। और यहाँ पर हटाव कितना होगा? हटाव ये ए से इसने शुरू किया और ए पे ही आकर इसने ख़त्म किया, तो इसका मतलब यहाँ पर हटाव 0 होगा। क्योंकि हटाव का क्या मतलब है? एक नुकात से दूसरे यानी स्टार्टिंग का पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक के दरमियान का फासला ए बी। जैसे कि यहाँ पर हमने तारीफ में देखे, तारीफ में क्या दिया हुआ है? जिस्म के आगाज यानी स्टार्टिंग पॉइंट से इख्तितामी नुक्ते के दरमियान। तो यहाँ से जैसे कि ये ए से लेकर ये इसका आगाज का नुक्ता है और ये इख्तितामी नुक्ता बी है, तो इसके दरमियान में जो फासला है वो हटाव है। तो यहाँ पर देखो दायरे में यहाँ पर कोई भी जो है वो ये आगाज का नुक्ता है, लेकिन इख्तितामी नुक्ता भी यही है, ए ही है। यहाँ से शुरू किया और यहीं पर ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर यही आगाज वाला यही इख्तितामी नुक्ता, यानी यहाँ पर कोई हटाव हुआ ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हटाव कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ पर एक चक्कर उसने मुकम्मल किया, तो फासला कितना होगा वहाँ पर? 628 मीटर होगा। इसी तरह से दूसरी मिसाल दी गई हमको बच्चों, दूसरी मिसाल में क्या दिया हुआ है? एक गाड़ी जो है वो एक गाड़ी पी नुक्ते से चक्कर लेकर क्यू मकाम तक गई और फिर वापस पी मकाम पर आ गई। अब यहाँ पे फासला क्या होगा और हटाव क्या होगा? तो देखो फिसले फासला, पहले वो क्या करी इसने? पी से क्यू गई, तो 360 किलोमीटर का फासला ली, फिर क्यू से पी आई, तो फिर से 360 किलोमीटर का फासला तय की। इसका मतलब यहाँ पर कितना मीटर का फासला हो गया? 720 मीटर का फासला हो गया। लेकिन हटाव कितना होगा? वो पी से उसने शुरू किया, फिर क्यू पे गई, फिर क्यू से वापस वो पी पे आ गई। इसका मतलब यहाँ पे इसका आगाज का नुक्ता और इसका इख्तितामी नुक्ता पी ही है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या काम होगा? 0 काम हुआ। हटाव कितना होगा यहाँ पर? 0 होगा। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस मालूम करना, और उसमें एक आगाज पॉइंट होना स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे ही जो है वो हटाव का अमल होगा।
अब यहाँ देखो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि किसी शय का हटाव सिफर हो तब भी इसके जरिए तय करदा फासला सिफर नहीं हो सकता। यानी जरूरी नहीं कि हटाव अगर सिफर दिया हुआ है तो फासला जो है वो सिफर ही हो, क्योंकि फासला जो है वो उसने जितना चक्कर पूरा किया है उसको फासला कहेंगे। उतना अगर ये चार बार यहाँ पे इसके राउंड लगाएगा तो हम इसको 360 को चार बार जर्ब करेंगे या जमा करेंगे और उसको हम क्या कहेंगे, फासला कहेंगे। मान लो इसने यहाँ पर दो चक्कर लगाए तो यहाँ पे ये फासले के अंदर क्या आएगा, 628 जर्ब दो। यानी जितने बार जितना चक्कर लगाया जाएगा उसको सब फासले में काउंट किया जाएगा। लेकिन हटाव के वक्त क्या होगा, हटाव में हमको ध्यान रखना है कि जो उसका आगा स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका एंड पॉइंट है उसके दरमियान जो है वो फासले को हम जो क्या कहेंगे, हटाव कहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर हटाव सिफर हो तो फासला भी सिफर ही होगा। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, चाल और रफ्तार। चाल और रफ्तार में हमारा नीचे दिया हुआ ज़रा याद कीजिए, ज़रा याद कीजिए में पहला सवाल है सिमती मिकदारें और गैर सिमती मिकदारों से क्या मुराद है। तो ये हम पढ़ चुके हैं छोटी जमात में, आठवीं तक हम ये पढ़ चुके हैं। तो सिमती मिकदारें क्या है, ऐसी तबई मिकदारें जिन्हें जाहिर करने के लिए सिमत और मिकदार दोनों की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर सिमत दी गई है, एक शुमाल है और जुनूब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि शुमाल में जाना है और जुनूब में जाना है। अब ये यहाँ पर सिमत हो गई है, इसके बाद में कद्र, यानी कि हमको मालूम है कि शुमाल में हमको 30 किलोमीटर चलना है और जुनूब में हमको 30 किलोमीटर चलना है। तो क्या हो गया, ये जो है वो कद्र सिमत, यानी सिमत भी हमको मालूम होना चाहिए और कद्र यानी कि अमाउंट मालूम होना चाहिए, क्वांटिटी या कितना मतलब करना है हमको काम। तो ये क्या कहलाता है, ये सिमती मिकदार कहलाता है। इसके बाद में गैर सिमती मिकदार, ऐसी तबई मिकदार है जिन्हें जाहिर करने के लिए सिर्फ कद्र की ज़रूरत होती है, उसमें सिमत नहीं होती। अब यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे जो दिया गया फासला, चाल, रफ्तार, वक्त, इसमें से सिमती और गैर सिमती मिकदारें कौन कौन सी है। तो रफ्तार सिमती मिकदार है, सीन लिख देती हूँ, और हटाओ ये भी क्या है, सिमती मिकदार है, ठीक है। अब इसके बाद में फासला, चाल और वक्त, ये गैर सिमती मिकदार है, क्योंकि इसका जो इसमें इसके लिए सिर्फ हमको कद्र की ज़रूरत होती है, इतने घंटे चलना है, कहाँ चलना है वो नहीं मालूम है। इसके बाद में स्पीड, चाल, इसमें भी जो है वो मालूम नहीं है कि कितने वक्त तक चलना है, कितना फासला तय करना है। तो इस तरह से फासला जो है वो कितना भी हो सकता है, कितने भी चक्कर हम लगा सकते हैं उसमें, और चाल में भी जो है वो स्पीड कितनी भी हो सकती है, इसी तरह से वक्त जो है वो कितना भी लग सकता है हमको, वहाँ पर जो है वो कोई फिक्स कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह से ये जो है वो दो चीज़ें सिम, इसकी नाम से ही हमको समझ में आता है, सिमती यानी कि सिमत मालूम होना और मिकदारे कद्र मालूम होना, गैर सिमती यानी कि सिर्फ उसका अपोजिट यानी सिर्फ कद्र की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद में हम टॉपिक देखते हैं अपना चाल। चाल क्या है, इकाई वक्त में शय के जरिए तय करदा फासले को चाल कहते हैं, कुल तय करदा फासला बटे कुल दरकार वक्त। अब इसके लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चाल। चाल का ताल्लुक जो है वो फासले से है और रफ्तार का जो ताल्लुक है वो हटाव से है, ठीक है। अब यहाँ पर हटाव का मतलब है कि कम डिस्टेंस एग्जैक्ट, और फासला, फासला यानी कि कितना भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं है ना वहाँ पर फासला। इसके पहले हमने पढ़े फासला और हटाव के बारे में, तो इसके पहले मिसाल भी दी गई थी, वही मिसाल ले लेते हैं। तो हम दूसरी मिसाल ले लेते हैं, मान लीजिए आपको जो है वो आपकी फ्रेंड के घर जाना है, आपको फ्रेंड के घर जाना, आपने ये आपके ये फ्रेंड के घर आप इस तरह से गए यहाँ पर,
ये आपका यहाँ से आप निकले और ये फ्रेंड के घर पे गए यहाँ पर। तो मान लो ये फासला जो है वो 50 किलोमीटर का है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इतना कितने टाइम लगा आपको यहाँ पर जाने के लिए। मान लीजिए कि आपको जो है वो 50 किलोमीटर के लिए यहाँ पर 30 मिनट लगा, आधा घंटा लगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये हमारा फासला हो गया। तो चाल का जाप्ता क्या है, चाल बराबर क्या है, कुल तय करदा फासला। तो वो अपनी फ्रेंड के घर जो है वो ये ऐसे गई, ठीक है। तो ये जितना भी मोड़ उसने लिया उस सबको हम तय करेंगे, उस सबको हम काउंट करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 है, ये 10 किलोमीटर, फिर यहाँ 10, तो ये इस तरह से समझ लीजिए 50 किलोमीटर है। तो चाल जो है वो कितनी है, कुल तय करदा फासला मान लीजिए यहाँ पर 50 है, और कितने मिनट में गई, 30 मिनट में गई। तो इस तरह से ये इसकी चाल हो गई। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, रफ्तार मालूम करना है। तो रफ्तार यानी कि किसी, अब यहाँ पे इसको रफ्तार करना है तो ये फ्रेंड से जो शॉर्टकट का रास्ता रहेगा वो सीधा एकदम, ये यहाँ से यहाँ सीधा ये ले लिए इसने। यानी किसी जिस्म के इकाई वक्त में एक ही सिमत में, ये एक ही सिमत है यहाँ पे, ये एक ही सिमत है ये यहाँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड का घर यहाँ से यहाँ तक ये फासला समझ लीजिए कितना हो गया, यहाँ पर ये 30 किलोमीटर का फासला इसने तय किया और फ्रेंड के घर पहुँच गई। तो ये जो शॉर्टेस्ट फासला है ये क्या है, हमारा हटाव है। तो रफ्तार का ताल्लुक किससे, हटाव से है। तो यहाँ पे जो किसी जिस्म के इकाई वक्त में एक ही सिमत में तय करदा फासले को हम क्या कहेंगे, रफ्तार कहेंगे। तो यहाँ पर एक ही सिमत है और वहाँ पर फासला तय कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका रफ्तार कहलाएगी। यहाँ इकाई वक्त से मुराद सेकंड भी हो सकता है। इकाई वक्त में, इकाई वक्त का मतलब है कि वो एक सेकंड में भी पहुँच सकता है, एक मिनट में भी पहुँच सकता है, एक घंटे में भी पहुँच सकता है, एक महीने में भी पहुँच सकता है, एक साल में भी पहुँच सकता है। तो ये सब जो वक्त दिया गया वो क्या है, इकाई कहलाएगा। बड़ी इकाई में यहाँ पर देखो साल भी दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये चाल और रफ्तार में जो है वो फ़र्क है। तो चाल यानी के फासला और तयकुर्दा फासला और उसके लिए कितना वक्त लगेगा। इसके बाद में रफ्तार यानी के किसी जिस्म के लिए इकाई वक्त में सिमत में तयकुर्दे फासले को रफ्तार कहते हैं। तो इसका जाप्ता क्या है, इसका जाप्ता हम देख लेते हैं। इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं। अब ये इकाई वक्त क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वो एक सेकेंड, एक मिनट, एक घंटा, एक साल, एक महीना, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से रफ्तार का ताल्लुक हटाव से, हटाव बटे वक्त। तो इसकी एक और मिसाल देख लेते हैं चाल और रफ्तार की। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी को जो है वो नॉर्थ में जाना है और यानी 30 मीटर पर सेकेंड का जो फासला है, और एक गाड़ी को जो है वो जाना है 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉर्थ में जाना है, इसको ये मालूम है, तो इसके लिए सिमत जो है वो तय करदा है कि इसी सिमत में जाना है। अब उसको नॉर्थ में जो फासला है, जहाँ पर उसकी मंजिल है, वहाँ पहुँचने के लिए वो वक्त कितना, मतलब रफ्तार में वो इजाफा करेगा, कुछ भी कर सकता है। यानी उसके रफ्तार में इजाफा होगा, उसको कम वक्त लगेगा, ज़्यादा वक्त लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, रफ्तार में कि एक सिमत जो है वो तय है और उसको कहाँ जाना है वो पता है, और चाल यहाँ पे दूसरा जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड उसको तय करना है फासला, लेकिन कहाँ जाना है वो सिमत यहाँ पर तय नहीं की गई है। तो इस तरह से ये जो है वो चाल और रफ्तार में जो फ़र्क है, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि चाल का ताल्लुक जो है फासले से है और रफ्तार का ताल्लुक जो हटाव से। तो रफ्तार का ताल्लुक जब हटाव से होगा तो हटाव यानी कि छोटा डिस्टेंस, कम फासला। तो कम फासले में जहाँ हम जल्दी पहुँच जाएंगे, कम वक्त में पहुँचना, तो वो जो है वो रफ्तार कहलाएगी। अब यहाँ पर इकाई दी गई है MKS निज़ाम में, चाल और रफ्तार की इकाइयाँ मीटर पर सेकेंड है और CGS में सेंटीमीटर पर सेकेंड है। चाल का ताल्लुक फासले से है जबकि रफ्तार का ताल्लुक हटाव से है। हरकत खते मुस्तकीम में हो, अगर हरकत जो है वो खते मुस्तकीम में, यानी जब जो चल रहे गाड़ी सफ़र कर रही है, हम सफ़र कर रहे हैं, अगर वो रास्ता खते मुस्तकीम में हो तो चाल और रफ्तार की कदर यकसा होती है, यानी कि उसकी पैमाइश कैसी होगी, यकसा होगी, ठीक है।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई शेख खत मुस्तकीम में सफ़र करे तो चाल और रफ्तार जो है वो मसावी होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी शेख खत मुस्तकीम में सफ़र कर रही है तो वहाँ पे उसकी चाल और उसकी रफ्तार जो है वो यकसा होंगी। तो इकाई वक्त में होने वाले हटाव को रफ्तार कहते हैं, ये रफ्तार की तारीफ है और ऊपर जो है वो चाल की तारीफ दी गई। तो ये दोनों ज़ाब्ता आपको ध्यान रखना है। इसको समझने के लिए एक और मिसाल यहाँ पर दी गई है। मिसाल में दी गया है ये शकीला के ज़रिए, शकीला की राह ए पर जाते वक्त फासला। तो यहाँ पर ए पर जाते वक्त फासला कितना है, 500, यानी कि मारिया का घर, ठीक है। और कितने मिनट लगे उसको, मान लीजिए 5 मिनट लगे, 5 मिनट में वो मारिया के घर पहुँच गई। तो फासला 500/5 यानी 100। फिर शकीला मारिया के घर से स्कूल पहुंची, यानी वो रास्ता जो है वो बी है, ये ए रास्ता और ये बी रास्ता। अब बी रास्ते पे जाने के लिए उसका फासला कितना है, 1200, और वहाँ पर उसको वक्त लगा 24 मिनट, ठीक है, क्योंकि स्कूल का फासला ज़्यादा है तो वहाँ पे उसको वक्त ज़्यादा लगा। तो यहाँ पर इसको 24 मिनट लगे। इनको हल किए तो हमको यहाँ जवाब मिला 50 और ये 100। अब शकीला की औसत रफ्तार, औसत रफ्तार क्या होगी, तो ये दोनों की जमा, कुल फासला यानी कि 500 और 1200 कितने हो गए, 1700, 24 और जमा 5, यानी टोटल उसको शकीला को स्कूल पहुंचने के लिए टोटल मिनट कितने लगे, 500 जमा 1200, तो यानी औसत रफ्तार, औसत चाल कहेंगे उसको, तो कितना हो गया वो 1700 हो गया, 1700/29, 58.6। अब इसके बाद में ये होगी शकीला की औसत चाल, फिर शकीला की औसत रफ्तार। अब शकीला की औसत रफ्तार क्या है, हटाओ बटे वक्त। हटाओ क्या होगा, ये एक ही खत मुस्तकीम में सफ़र करके स्कूल पहुंच गया, यानी सीधा अपने घर से यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ सीधा स्कूल से घर, स्कूल से सॉरी घर से स्कूल पहुंच गया, और ये 1300, इसका फासला कितना था, 1300 मीटर, और इसको भी वक्त कितना लगा, 29 लगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, शकीला की रफ्तार कितनी थी, 44.83 फी मीटर फी मिनट। तो इस तरह से चाल और सिम का रफ्तार पर होने वाला असर जो है वो ये है। तो यहाँ पर शकीला की रफ्तार और इसकी शकीला की औसत चाल और औसत रफ्तार में फ़र्क है, यानी चाल जो है वो ज़्यादा है और रफ्तार जो है वो कम है। तो इस तरह से ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो शॉर्ट डिस्टेंस है, जो सीधी खत मुस्तकीम में जाते हुए एक सीध में एक सिमत में तय करदा जो फासला है वो हटाओ है, और जो लंबा रास्ता हम लेकर जाते हैं वो हमारी फासला है। तो हमारा अगला टॉपिक है चाल और सिमत का रफ्तार पर होने वाला असर। तो हमारा शक्ल दी गई है यहाँ पर, नंबर एक शक्ल जो है वो ये है, दो, और इसके बाद में ये 3। अब यहाँ पर दिया हुआ है मुसद्दिक मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है, सफ़र के दौरान जेल के मौके पर क्या होगा। तो पहला पॉइंट है, मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल से सफ़र के दौरान मोटरसाइकिल की सिम तब्दील ना करके, सिम देखिए सीधी है, इसकी सिम जो है वो खत मुस्तकीम में एक ही सिमत में जा रहा है, मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से रफ्तार पर इसका कौन सा असर होगा। तो अगर मोटरसाइकिल की सिमत बढ़ाए या कम करे तो सिम तब्दील होने पर यहाँ पर क्या होगा, इसकी रफ्तार भी तब्दील होगी, और रफ्तार अगर चाल बढ़ाएंगे तो रफ्तार भी बदलेगी, तब्दील होगी, और अगर कम करेंगे तो भी रफ्तार कम हो जाएगी। तो इस तरह से अगर चाल पे कोई असर होता है तो उसका असर जो है वो रफ्तार पर भी होता है। तो अगर चाल बढ़ाते हैं तो रफ्तार भी बढ़ेगी, और अगर चाल कम करते हैं तो रफ्तार भी कम होगी। दूसरा पॉइंट हमारा, मुसद्दिक ने सफ़र के दौरान रास्ते में एक मोड़ आने पर क्या चाल और रफ्तार यकसा रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर एक मोड़ आया इस तरह से, ये एक मोड़ अगर आता है तो हम गाड़ी में सफ़र करते हैं, हमको इस चीज़ का एहसास है कि अगर मोड़ आता है तो ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को स्लो कर देता है, ठीक है, रफ्तार में तब्दीली आ जाती है। तो मोड़ आएगा तो रफ्तार और चाल में तब्दीली आ जाएगी। तो कहीं पर भी किसी तरह का भी अगर मोड़ होता है तो मोटरसाइकिल या कोई भी सवारी है वो अपनी रफ्तार और चाल दोनों में तब्दीली करता है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा ये आएगा कि यहाँ पर रफ्तार और चाल दोनों में तब्दीली होगी। तीसरा जो है वो, मुसद्दिक ने मोटरसाइकिल की चाल मुस्तकिल रखकर सिम बदलने पर रफ्तार पर इसका क्या होगा। अब इसका तीसरा पॉइंट है,
कि खमदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते हुए मुसद्दिक के चाल और सीन दोनों तब्दील करने पर रफ्तार पर कौन सा असर होगा। अब ये खमदार सतह है, हम देखते हैं कि जब ये रेस होती है तो ये सर्कल इस तरह से बनता है गोल, तो ये यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर अगर सतह खमदार होगी तो रफ्तार में यहाँ पर क्या होगी, तब्दीली होगी। तो यहाँ पर ऊपर के वाक्यात से बात जहन में आती है कि रफ्तार का जो ताल्लुक है चाल से है और सीन से, दोनों से है, और रफ्तार में तब्दीली हज़्ज़ेल के मुताबिक होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सिमत कायम रखते हुए चाल में तब्दीली होती है, अगर सिमत कायम रखेंगे तो चाल में तब्दीली होगी, चाल को अगर मुस्तकिल रखते हैं तो सिमत में तब्दीली होती है, अगर चाल और रफ्तार की सिमत दोनों में तब्दीली होती है। तो इस तरह से ये तीन जो शक्ल दी गई है उसकी बिना पर ये तीन नुकात जो है वो आपको याद रखना है। फिर इसे जहन में रखिए, चाल की पैमाइश फासला बटे वक्त सबसे पहले गैलीलियो ने की थी, साइंसदा उन्होंने हवा में आवाज़ की चाल 343.2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह नूर की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है, ये जो है वो मुस्तकिल है, फिक्स है। तो ये जब हम इबारती सवाल हल करते हैं तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन की सूरज के इतराफ गर्दिश करने की चाल जो है वो 2970 मीटर पर सेकेंड है। अब हम अगला देखते हैं अपना टॉपिक, खत्ते मुस्तकिल में यकसा और गैर यकसा हरकत। यहाँ पर हम देखते हैं अगला टॉपिक, खत्ते मुस्तकिम में यकसा और गैर यकसा हरकत। तो यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, अमर अकबर और एंथोनी की खुद की गाड़ियों पर मुख्तलिफ रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं, ज़ेल की जुदुल में इनके मुख्तलिफ वक्फ़ों में तय किए गए फासले दिखाए गए, घड़ी में वक्त यहाँ पाँच आधा आधा घंटे का फ़र्क है, फिर अमर के ज़रिए तय गया फासला देखिए क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20-20 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर 0 से 18, 18 से 36, 36 से 42, अब यहाँ पर 0 से 18, 18 से 36, अब यहाँ पे तो 18 डिफरेंस आ रहा है, फिर दूसरा जो है वो 36 और 42 में कितने का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर 18 का फ़र्क है क्या, तो यहाँ पर फ़र्क जो है वो यहाँ से 36 से 6 किलोमीटर का है, फिर 42 से 70 इसमें कितना है 28 यहाँ पे, फिर यहाँ से 95, तो इस तरह से ये फासला कैसा है, गैर यकसा है, एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो है 25, ठीक है, और यहाँ से 20 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, अब यहाँ पर देखते हैं 0 से 14, फिर 14 से 28 भी 14, 28 से 42 भी 14, यहाँ भी 14, ये भी 14, तो ये भी कैसा फासला एंथोनी तय कर रहा है, यकसा फासला, लेकिन अकबर जो फासला तय कर रहा है वो कैसा है, गैर यकसा है, एक जैसा नहीं है। अब यहाँ पर हम दोनों को देखें तो दोनों ने एक ही वक्त में जो है वो ये फासला तय किया, एक यकसा था और दूसरा गैर यकसा था, लेकिन दोनों का जब पहुँचने का वक्त है, जो पहुँचने का फासला वो 120 किलोमीटर, ये 120 किलोमीटर, और यहाँ पर एंथोनी जो है वो 84 किलोमीटर उसमें इसका तय किया हुआ फासला है। अब हम सवाल पढ़ लेते हैं, अमर अकबर एंथोनी के सफ़र के दौरान दर्ज किया गया वक्त का वक्फा कितना है, 30 मिनट का है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30 मिनट। इसके बाद मुकर्ररा वक्फा वक्त में यकसा फासला किसने तय किया, तो यकसा फासला किसने तय किया यहाँ पर, तो अमर और अकबर ने क्या किया, यकसा फासला तय किया। तो यहाँ पर अमर ने जो है वो यकसा फासला तय किया। क्या अकबर के मुकर्ररा वक्त के दौरान तयकुर्दा फासला यकसा था अकबर में, तो यहाँ पर यकसा नहीं था, कैसा था, गैर यकसा था, यहाँ पर अमर और अकबर। इसके बाद में अमर अकबर एंथोनी के मुकर्रर वक्त में तयकुर्दा फासलों के मुताबिक इनकी चाल कैसी है, इनकी चाल जो है वो गैर यकसा है। तो किसी जिस्म का यकसा वक्फे में यकसा फासला तय होता है तो इसकी रफ्तार को यकसा रफ्तार कहते हैं, यानी कि एक ही वक्त में
एक जैसा अगर फासला तय करते हैं। अब यहाँ पे देखो सबके फासले अलग अलग है, ये 20 यहाँ पर, यहाँ पे एकदम अलग है, यहाँ पे 14, यानी कि सबके वक्फे कैसे हैं, गैर यकसा है। तो यहाँ पर किसी जिस्म का यकसा वक्फे में अगर यकसा फासला तय करेंगे, एक जैसा फासला तय करेंगे, यानी सब 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर, तो हम इसको यकसा फासला कहेंगे। लेकिन ये क्या है, यकसा फासला नहीं है। तो यकसा फासला तय होता है तो इसकी रफ्तार को हम क्या कहते हैं, यकसा रफ्तार कहते हैं। अगर शय यकसा मुद्दत में, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ब्रैकेट बॉक्स में हम वो देखेंगे क्या दिया हुआ है, अगर शय यकसा मुद्दत में गैर मसावी फासला तय करती है, यहाँ दिया हुआ है अगर शय यकसा मुद्दत में, यानी आधे आधे घंटे में सबने सब आधा आधा घंटे का सबका वक्फा है, तो गैर मसावी फासला तय करती तो इसकी रफ्तार को गैर यकसा रफ्तार कहते हैं। मसलन इसके भीड़ वाले रास्ते पर गाड़ियों की रफ्तार और साइकिल चलाने वालों की रफ्तार, अगर भीड़ वाला रास्ता है तो वहाँ पर हम तेज़ी से नहीं चल सकते, धीरे धीरे चलना होगा। ट्रैफिक है वहाँ पर हम गाड़ियों की रफ्तार देखेंगे, साइकिल की रफ्तार देखेंगे, तो कैसी होगी, स्लो होगी। क्यों स्लो हो गई, वो अपने आप स्लो करना पड़ता है हमको, क्योंकि उतना रफ्तार नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ट्रैफिक है, आगे हमारे आगे भी और भी गाड़ियाँ होती है, तो वो क्या है, गैर यकसा किस्म का जो है वो रफ्तार कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पर यकसा और गैर यकसा दो तारीफ दी गई है कि यकसा रफ्तार किसे कहते हैं और गैर यकसा रफ्तार किसे कहते हैं। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं इसरा। अब यहाँ पर आइए अमल करके देखें। अब यहाँ पर देखिए, 1 मीटर लंबाई का एक परनाला और एक छोटी गेंद दी गई है। परनाला यानी एक स्लाइड की जैसा है, ठीक है, इसमें यहाँ पर बीच में गैप है, तो ये परनाले के ऊपर से हमको यहाँ से एक गेंद जो है वो डालना है। अब हम देखेंगे कि 1.4 ये शक्ल के मुताबिक परनाले के एक सिरे को ज़मीन पर रखा गया है, यानी एक हिस्सा जो है वो ऊपर की जानिब है और एक जो है वो ज़मीन की तरफ इसको रखा गया है ताकि एक ढलान बन जाए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर गेंद परनाले के ऊपरी सिरे से छोड़ दीजिए, यहाँ से हमने गेंद को छोड़े यहाँ से, और वो गेंद जो है वो फिर यहाँ पर आया और फिर नीचे की तरफ आ गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गेंद जो है वो ऊपर से जो इस तरह से छोड़ दीजिए ऊपरी सिरे से, तो गेंद के ऊपर से नीचे और नीचे आते हुए गेंद की रफ्तार का मुशाहिदा कीजिए। तो गेंद के ऊपर से नीचे आते वक्त क्या हर जगह रफ्तार यकसा होगी, जब हम गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इसकी रफ्तार यकसा होगी क्या, वो हमको देखना है। फिर छठा सवाल है, इब्तिदा में दरमियान और ज़मीन के करीब आते वक्त रफ्तार किस तरह बदलती है, इसका मुशाहिदा कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जब हम गेंद ऊपर से फेंकते हैं तो शुरू में जो है वो रफ्तार कम होती है, फिर दरमियान में बढ़ जाती है रफ्तार, और आखिर में आकर वो कम होकर सिफर हो जाती है। यानी कि जब यहाँ से हम जब बॉल फेंक रहे हैं उस वक्त रफ्तार कैसी होती है, कम होती है, फिर दरमियान में जो है वो रफ्तार ज़्यादा हो जाती है, और फिर जैसे ही वो नीचे की तरफ आता है तो कम होकर रफ्तार क्या हो जाती है, यहाँ पर सिफर हो जाती है। इसी तरह से हमने स्लाइड बहुत खेले है बचपन में, तो वहाँ पर भी यही अमल होता है, जब हम ऊपर से आते हैं तो ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो दरमियान में यहाँ पर जो है वो रफ्तार हमारी बहुत तेज़ हो जाती है, और फौरन हम ये सेकेंड्स में जो है वो नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर नीचे आने के साथ ही यहाँ भी रफ्तार कम होकर हम रुक जाते हैं, यानी कि सिफर हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक मिसाल दी गई है, यहाँ पर भी गाड़ी जो है वो ये स्लो हो गई, फिर फास्ट हो गई यहाँ से, और फिर यहाँ पर आकर स्लो हो गई। तो ये सब जो है वो इस तरह की मिसाल है। यहाँ पर दिया गया कि बचपन जब हम ढलवान सतह पर फिसल कर खेलते थे, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई रेती का ऐसा टीला बना के रखा हुआ है, तो जिस तरह से बच्चे छोटे बच्चे क्या करते हैं उस पर से फिसलते, स्लाइड की तरह उसका इस्तेमाल करते, तो वहाँ पर भी सेम वही चीज़ है कि किसी भी ढलवान हिस्से पर फिसलते वक्त शुरू में रफ्तार कम होगी, फिर दरमियान में रफ्तार बढ़ जाएगी, और आखिर में रफ्तार जो है वो सिफर हो जाएगी। तो रफ्तार में तब्दीली की शरह को इस तरह कहते हैं। तो यहाँ पर ये तारीफ याद रखना है आपको कि रफ्तार में जो तब्दीली होती है कम ज़्यादा कम, तो उस तब्दीली को जो है वो इसरा कहते हैं। तो इसरा यानी कि रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। लेकिन हमने देखा कि इसरा की जो तब्दीली है उसमें शुरू में बीच में और बाद में अलग है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया, इसरा को जो है वो इकाई ए से ज़ाहिर किया जाता है, और इसकी इब्तदाई रफ्तार यू है, वक्त टी
और के बाद बदल कर आखिरी रफ्तार क्या हो गई इसकी, वी हो जाती है। तो इस तरह से इसरा ए या इसरा को ए से जाहिर किया जाता है, इब्तदाई रफ्तार नफी आखिरी रफ्तार बटे वक्त, यानी वी ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। तो जब हम बॉल, इस बॉल की भी मिसाल है, जब हम खेलते हैं तो जब हम बॉल उछालते हैं ऊपर की तरफ, तो जब वो ऊपर यहाँ पर भी जब उछाल रहे हैं तो वहाँ रफ्तार कम है, फिर जब एकदम तेज़ी से ऊपर जाती है यहाँ ज़्यादा रफ्तार हो गई, और फिर ऊपर जाकर फौरन नीचे आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है वो इसरा का अमल होता है। तो यहाँ पर भी ये इब्तदाई रफ्तार और आखिरी रफ्तार होती है। तो इस तरह से ये ज़ाब्ता आपको जो है वो ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, अगर किसी मुतहरिक जिस्म की मुकर्ररा यकसा मुद्दत में रफ्तार तब्दील होती रहे तो इस जिस्म की रफ्तार जो है वो इसराई रफ्तार कहलाती है, यानी कंटिन्यू रफ्तार बदल रही है तो उसको इसराई रफ्तार कहते हैं। मुतहरिक जिस्म में दो किस्म के इसरा हो सकते हैं। नंबर एक, मसावी मुद्दत में अगर रफ्तार में यकसा तब्दीली वाकई होती रहे तो वो यकसा इसरा होते हैं, यानी एक जैसी तब्दीली हो रही है। और अगर मसावी मुद्दत में रफ्तार में गैर यकसा तब्दीली हो रही है, यानी कभी कम कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो क्या है, गैर यकसा इसरा होता है। तो इस तरह से इसरा के जो है वो दो किस्म है, एक तो यकसा इसरा और एक दो है गैर यकसा इसरा। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में है मजबत, मनफी और सिफर इसरा। किसी जिस्म का इसरा मजबत या मनफी हो सकता है, यानी कि जिस किसी भी जिस्म का जो इसरा है वो मजबत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है और सिफर भी हो सकता है। तो जब किसी जिस्म की रफ्तार में इजाफा होता है तब वहाँ पर मजबत इसरा होता है, यानी अगर इसकी रफ्तार बढ़ रही है तो वो मजबत इसरा होगा। यहाँ जहाँ इसरा रफ्तार की सिमत में होता है, जब किसी जिस्म की रफ्तार में कमी होगी, और अगर रफ्तार में कमी होगी तो वहाँ पर मनफी होगा इसरा, तब मनफी इसरा होता है। तो मनफी इसरा को ही इत्ता कहते हैं। रफ्तार की मुखालिफ सिमत होती है, रफ्तार मुस्तकिल हो तो इसरा भी सिफर होता है। जहाँ पर मजबत भी नहीं है, मनफी भी नहीं, यानी कोई भी इजाफा नहीं हो रहा, जैसे कि बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आया तो नीचे आने के बाद यहाँ पर आकर रुक गया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसका इसरा सिफर हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना ही इसमें कमी हो रही है और ना ही ज़्यादा, यानी ये ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, रुक गया यहाँ पर। तो इस वक्त क्या होगा, इसका इसरा जो है वो सिफर हो जाएगा। तो जहाँ पर रफ्तार जो है वो मुस्तकिल होगी तो वहाँ इसरा क्या होगा, सिफर होता है। आइए दिमाग पर जोर दे। अगला टॉपिक देखते हैं, यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तरसीम दी गई है हमको, जिसमें यकसा हरकत के लिए फासला, वक्त की तरसीम। तो यहाँ पर ये वक्त है और यहाँ पर ये फासला है, तो फासला दिया हुआ है, वक्त दिया हुआ है, तो ज़ीरो। अब यहाँ पर वक्त जो है वो 10 है और फासला कितना है, 15 है, तो ये 10 है, यहाँ पर ये दरमियान में आ गया 15। इसके बाद 20, 20 में जो है वो 20 में जो फासला है 30 है, तो यहाँ पर 20, दो को गिनते हैं हम एक, तो उसके पहले क्या था, 15 था, तो 15 जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ये 30 आ गया। अब इसके बाद में, सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में 30 है वक्त और ये कितना है, 45, तो 30 और ये 40 है, 40 के इधर यहाँ पर ये बीच में 45 हो गया। इसके बाद में तीस के बाद 40 जो है वो 60 है, तो 40-60 ये यहाँ पर आ गया, ये। इसके बाद में है 50-75, तो 50 यहाँ पर है वक्त और 75 यानी कि 60 यहाँ पर, 70 हो गया और ये यहाँ पर समझ लीजिए 75 हो गया। अब इसके बाद में 60-90, तो 60 है यहाँ पर 90 यानी कि ये 80 और ये यहाँ पर 90 होगा। इसके बाद में 70-105, तो 105 यानी कि ये 100 और ये यहाँ पर ये
5 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको सीधी स्ट्रेट लाइन मिली यहाँ पर, यानी कि सीधा ग्राफ बनता है। तो सीधे ग्राफ का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर जो हरकत है वो कैसी है, यकसा है, यानी वक्त और फासले की जो तरसीम है वहाँ पर हरकत यकसा है। देखो यहाँ पर यकसा है क्योंकि फासला जो है वो 15-15, फासला कितना है 15 मीटर का, यहाँ 15-15, यहाँ 15, यानी फासला जो है वो यकसा है और वक्त भी कैसा है, यकसा है। 10-10 सेकेंड में जो है वो फासला इसका बढ़ता जा रहा है, और कैसा फासला है, यकसा फासला बढ़ रहा है। तो ये तरसीम बनाने से साबित हो गया कि यहाँ पर जो है वो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको ग्राफ में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये यकसा, ये जो है वो यकसा हरकत की, ये यकसा हरकत की जो है वो ग्राफ है। अब यहाँ पे यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करता है, तो इससे क्या साबित होता है कि यकसा रफ्तार वाला कोई भी जिस्म जो है वो यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करता है। ये फासला वक्त तरसीम के दरमियान खते मुस्तकीम जाहिर करता है। तो ये वक्त और फासला दोनों के दरमियान ये खते मुस्तकीम है, तो ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर रफ्तार वाला जो यकसा रफ्तार वाला जिस्म है यकसा मुद्दत में यकसा फासला तय करेगा। तो इस तरह से यहाँ जो है वो यकसा हरकत के लिए फासला और वक्त की तरसीम है, जिससे स्ट्रेट लाइन से ये चीज़ साबित हो जाती है। अगला हम देखते हैं, गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला वक्त की तरसीम। अब यहाँ पर हम देखेंगे फासला दिया है 7, यहाँ पे 7 के बाद 12, फासला भी देखो कैसा है, गैर यकसा है। यहाँ पर वक्त कैसा है, 5, 10, 15, 20, यानी वक्त जो सेकंड में दिया हुआ है वो 5-5 बराबर है, लेकिन 5-5 सेकंड में जो फासला तय हो रहा है, यहीं से समझ में आता है कि ये फासला यकसा नहीं है, गैर यकसा है। तो हम ये इस तरसीम के ज़रिए इसको समझते हैं कि यहाँ पर अगर हमको स्ट्रेट लाइन मिलती है ग्राफ में तो यकसा होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो यानी ये गैर यकसा फासला होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तरसीम में, यहाँ पर ये फासला है, तो फासला हम यहाँ पर 10-20, यहाँ लास्ट जो है 58 है, तो 60 तक बन लिखेंगे नंबर, और यहाँ पर 5-5 मिनट का वक्त में डिस्टेंस है, इसमें वक्फा है, तो यहाँ 5, 10, 15 से लेकर 35 तक। अब यहाँ पर ये 0-0 है, 5 जो है वो वक्त 5 है, और यहाँ पर फासला क्या है, 7 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 5 वक्त 5 सेकेंड में जो है वो फासला तय 7 मीटर, तो यहाँ पर ये 7 मीटर, फिर 10 सेकेंड में फासला जो है 12, तो 5, 10 और ये 2, 12, फिर इसके बाद में 15 सेकेंड में 20, फिर 20 सेकेंड में जो है वो 30, और उसके बाद में 25 सेकेंड में 41, यानी यहाँ ये 1 और ये यहाँ पे आ जाएगा ये, इसके बाद में है 30, 50 और 35 जो है वो 58, तो 58 जो है वो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर इन नुकात को, तो हमको ये यहाँ पर हल्की सी जो है वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी मिल रही है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ग्राफ जो फासला और वक्त का है वो कैसा है, गैर यकसा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिली है, 5 सेकंड में वक्त यहाँ पर मुस्तकिल था, लेकिन फासला यहाँ पर मुस्तकिल नहीं था, गैर यकसा था। तो ये गैर यकसा रफ्तार के लिए फासला और वक्त की तरसीम है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ वक्त के साथ फासले में तब्दीली गैर यकसा है, यानी कि यहाँ रफ्तार जो है वो गैर यकसा है, से इस तरसीम से ये साबित होता है। यहाँ पे हम अगला टॉपिक देखते हैं, यकसा रफ्तार के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम। तो यहाँ पर वक्त रफ्तार और वक्त की तरसीम हमको बनाकर दी गई है। यहाँ पर दिया हुआ एक रेलगाड़ी यकसा रफ्तार से 60 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि ये इसकी रफ्तार दी गई है, और 5 घंटे मुसलसल मुतहरिक है। इस यकसा हरकत के लिए रफ्तार और वक्त में तब्दीली के लिए रफ्तार और वक्त की तरसीम 1.7 में दिखाई गई है। तो इसमें पहला सवाल है, रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है। अब रेल का 2 से 4 घंटा, तो देखो 2 से लेकर यहाँ 4 घंटे में कितना वक्त है,
दो से तीन एक और 3 से 4 एक, यानी कितने घंटे लगे इसको? 2 घंटे। तो यहाँ पर वक्त कितना होगा? यहाँ पर 2 घंटे। और यहाँ पर रफ्तार कितना दिया गया है? रफ्तार दिया गया है कि 60 किलोमीटर फी घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर फासला बराबर क्या लिखेंगे? जाप्ता। यहाँ पर फासला किस तरह मालूम करेंगे? तो रफ्तार कितनी है यहाँ पर? 60 किलोमीटर फी घंटा। और ज़र्ब वक्त कितना है यहाँ पर? 2। तो यहाँ फासला कितना होगा हमारा? 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर। तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब हो गया। फिर दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि रेल का 2 से 4 घंटे के दरमियान तय करदा फासला और शक्ल के एक 4 ज़िले यानी ज़ोरबतुल अज़ला। तो यहाँ पर ए बी सी डी ज़ोरबतुल अज़ला है, इसका रकबे से क्या ताल्लुक है? तो हम देखेंगे ए बी सी डी का रकबा ज़ोरबतुल अज़ला, इसकी भी इसका ज़ाब्ता क्या है? लंबाई, ज़र्ब, चौड़ाई। तो यहाँ पर तो इसकी लंबाई इसके यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी 60 किलोमीटर फी घंटा और यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो होगी 2 घंटे, ये यहाँ पे ये 2 घंटे। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये 120 आ गया। तो यहाँ पर ए बी सी डी का रकबा भी कितना होगा? 120। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ सवाल में ए बी सी डी का रकबा भी कितना आया? 120 किलोमीटर आया। तो रकबे में यहाँ गाड़ी का इसरा कितना होगा? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुकर्ररा वक्त यानी 2 घंटा है, मुकर्ररा वक्त में रफ्तार में तब्दीली होती है, इसकी रफ्तार जो है वो बदलती है। तो मुकर्ररा वक्त में रेलवे जो है वो 60 किलोमीटर यकसा रफ्तार से जाती है, इस वजह से यहाँ रेलवे की रफ्तार जो है वो मुस्तकिल है। यहाँ इसकी जो रफ्तार है कितनी है? मुस्तकिल है। तो अगर रफ्तार जो अगर मुस्तकिल हो तो इसरा यहाँ पर क्या होता है? सिफर होता है यहाँ पर, यानी कि ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, बल्कि इनका फासला कैसा है? मुस्तकिल है। तो अगर यहाँ पर ये इसका रफ्तार जो है वो अगर मुस्तकिल होगा तो यहाँ पर इसरा जो है वो सिफर होगा।